बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं और वो भी एक नहीं बहुत सारे। मैं हूँ अभी मुंबई एयरपोर्ट पे और मैं निकलने वाला हूँ अभी, थोड़ा विजिट करूँगा ताज होटल मुंबई का और गेटवे ऑफ इंडिया। फिलहाल मैंने कुछ ऑर्डर किया है खाने का, सैंडविच, भूख लग रही है, लंच टाइम हो गया है, ये खाते हैं और फिर मैं लैब को ले चलता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। मैंने एक बाइक बुक की है, कैब बाइक, और उसी में बैठ के चलूँगा और फर्स्ट टाइम ऑर्डर मैं कर रहा हूँ। एक पर्सन आ रहा है मेरे को लेने के लिए, देखिए हाईवे है ये। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम मुंबई में, मुंबई की सड़कों पे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई का। ये भाई है मेरे साथ, एक कैब वाले भाई है ये हमारे, तो ओला कैब वाले ये घुमा रहे हैं मेरे को, मैंने इनको परमानेंटली बुक कर दिया है। जो है ये दादर रेलवे स्टेशन। बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं और वो भी एक नहीं बहुत सारे। पूरा गुड़गांव का साइबर सिटी सा बन रहा है यहाँ। सामने दो बूंदी दिख रहे हैं, ट्विन टावर बोलते हैं उसको। अच्छा, ट्विन टावर, हाँ मुंबई का ट्विन टावर है। दोनों टावर सेम है, जब बादल आ जाते ना तो पूरा टावर भी छुप जाता है। और मुंबई में सबसे महंगा तेल है, ये लो भाई 100 रुपये का, 113 रुपये का तेल। ये भाई ले आए एक शॉर्टकट में मुंबई की गलियों में। मुंबई रेल बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है इसमें, कोविड 19 जनता लटक लटक के जाती है। कुछ भी नहीं दो, कोविड 19 में भी फुल खचाखच रहती है। और ये यहाँ की बेस्ट बस, हर एक मिनट में ये ट्रेन है यहाँ पे, देखिए मेट्रो की सर्विस है वैसे है ट्रेन की सर्विस है हर एक मिनट में, और स्लो फास्ट दोनों है। स्लो भी है फास्ट भी है दोनों टाइप की ट्रेन है। मतलब स्लो बोले तो हर स्टेशन लेगी और फास्ट बोले तो जो लिमिटेड स्टेशन होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे अंधेरी, दादर, मेट्रा, मुंबई सेंट्रल, चर्च गेट, सब बड़े बड़े स्टेशन। स्लो बोले तो हर स्टेशन पे रुकेगी, स्टेशन रुकेगी। फास्ट बोले तो लिमिटेड स्टेशन, लिमिटेड जो बड़े बड़े। हमें अभी वानखेड़े स्टेडियम के सामने, ये देखो वानखेड़े स्टेडियम है, ये स्टेडियम, ये लास्ट स्टेशन, मुंबई का लास्ट स्टेशन चर्च गेट। ये देखिए इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती, इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती, नहीं एंड एंड। कार और कैब, टेम्पो, बस कुछ भी नहीं जाएगी पाँच मिनट। और सामने ये ओवल मैदान, बहुत सारी टीमें खेल रही हैं यहाँ पे देखिए। और ये भाई बता, मोस्टली इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर यहीं से ट्रेंड होके गए हैं। देखिए कितनी सारी टीम है यहाँ, अनगिनत टीम खेल रही है। देखो कम से कम होंगी 200-300 टीम होंगी कम से कम। अरे यहीं पे खड़े जा रहे हैं, ये है सामने ताज होटल, देखिए। तो मैं पहुंच गया मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे, सामने देख सकते हैं आप। चलिए मैं अंदर चलता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के, बड़ा मेला सा लगा हुआ है, एंट्री भी नहीं लग रहा मेरे को हो पाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। एक तो संडे का दिन है ना, ये देखो। Thank you.
भाई साहब ऐसी भीड़ हो रही है ना यहाँ, खचाखच भीड़ देखो, इतनी जनता आ रखी है। मेरे सामने ताज होटल, पीछे देखिए आमने सामने ये दोनों। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन की याद में किया गया। इसके वास्तुकार जॉर्ज विविट थे। 31 दिसंबर सन 1913 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 24 दिसंबर सन 1924 में इसका उद्घाटन किया गया। उस समय इसके निर्माण में 21 लाख रुपए की लागत आई। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है तथा वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। हाँ, लोगों ने बोतल ही बोतल फेंक रखी है नीचे, देखो ना। चलिए फ्रेंड्स, बाहर निकलते हैं यहाँ से, गेटवे ऑफ इंडिया से। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये है ताज होटल जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, ये देखिए। मैं आपको ले चल रहा हूँ सिद्धि विनायक मंदिर। तो ये है सामने सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का, ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है अभी इसमें, कंस्ट्रक्शन वर्क। एक सीन और हो गया, बाइक पंचर हो गई है, स्कूटी पंचर हो गई है देखो। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पंचर की दुकान सामने ही है। मार ले, हाथ मार ले ना, दुगुना मार ले। पेट्रोल पंप पास में ही था तो उसके सामने ही पंचर हुई स्कूटी और बन भी गया। 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, फाइनली बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, मुंबई एयरपोर्ट। गेटवे ऑफ इंडिया पे बोट चल रही थी काफ़ी सारी, नाव चल रही थी, शिप चल रही थी, बैठने को बैठ सकता था उनमें पर मेरा मन नहीं किया। कोची में ही केरल में इतना मैंने नाव की सवारी कर ली थी कि मैंने कहा बार बार नाव में दिल उठ गया नाव से कुछ दिन के लिए, अब थोड़ा गैप लेके फिर दोबारा नाव में बैठेंगे। एंट्री करते हैं, अंदर चलते हैं एयरपोर्ट पे। अभी हुआ क्या कि अभी जो मेरा पावर बैंक था वो लगेज में रह गया था, तो लगेज में जब वो पावर बैंक रह गया तो मेरा बैग आइसोलेट कर दिया गया, अलग रख दिया गया और मेरे को अलग बुला लिया गया, फ़ोन करके मेरे को बुलाया। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी चेक हुई पूरी बैग की अच्छे से, फिर पावर बैंक उन्होंने कहा कि अपने कैरी बैग में रख लो पावर बैंक को। भूख लग रही है और मेरे पास कुछ डेट्स पड़े हैं, मैं वो खा लेता हूँ। ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ रखना चाहिए साथ में, जैसे ज़रूरत पड़े उसी टाइम कुछ लाइट लाइट होना चाहिए।